कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण भारत में लॉकडाउन चल रहा है, जो एक खतरनाक वायरस है, और भारत सरकार द्वारा जो अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है, ठीक है, अतिरिक्त राशन दिया जा रहा है, तो यह राशन आप कब से वितरित कर रहे हैं? 15/4/2020 7:30 से 9 बजे रात तक वितरण हो रहा है। तो आपको जो बायोटिक मशीन है, पता चला बायोटिक मशीन जो है ये नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, इस वक्त नेटवर्क इसका सही बराबर चल रहा है, इस टाइम नेटवर्क ठीक चल रहा है, सर्वर बराबर चल रहा है। तो इनको ये जो राशन इनको दिया जा रहा है, तो एक यूनिट को कितना राशन दिया जा रहा है? एक यूनिट को 5 किलो चावल दिया जा रहा है, फ्री है, 5 किलो फ्री है। तो भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी इस लॉकडाउन में या महामारी में, तो क्या इनको जो सुविधा दी जाएगी आप द्वारा बाध्य है? आप बाध्य हैं, इनको सुविधा हर सुविधा दिया जाएगा। ये भी देख, जो भी सुविधा आता है जनता तक पहुंचाने का हम लोग सहयोग करेंगे। इस लॉकडाउन में जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, जो गांव से मतलब आपके नगर से लोग यहां पर आए हुए हैं, दूरी भी बनाए हुए हैं, सैनिटाइजर भी आपके पास रखा हुआ है, और आपके वर्कर भी काम कर रहे हैं, मास्क भी इनके पास मौजूद है, तो इनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने नगरवासियों को? आपके जो कोटेदार हैं, जो पात्र धारक जो है, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनको यही संदेश देना चाहेंगे कि अपने घर में रहें, लोग बाहर इधर उधर न घूमें, और सैनिटाइजर के प्रयोग किया जाए, शासन प्रशासन का भी भरपूर सहयोग करें, क्योंकि शासन प्रशासन लगी है इसमें, दिन रात मेहनत कर रही है शासन प्रशासन, और शासन प्रशासन के सख्त आदेशों का सभी लोग पालन करें, जिससे कोरोना वायरस को इस भारत से भगाया जा सके, दूर हटाया जा सके, जिससे भारत संपूर्ण भारत सुरक्षित रहे। हिंद मोर्चा टीम, कुशीनगर, हिंद मोर्चा न्यूज, तहसील प्रभारी शिव शंभू सिंह की रिपोर्ट।